थाने आई है, किस बात को लेकर के शिकायत लेकर के आप थाने आई? सर 12 बजे के करीब मेरे घर पे एक महिला आई दो लड़कों के साथ में, जो पुलिस के ड्रेस में थोड़ा सा वैसे ड्रेसअप कर रखी थी, और मैं बहुत बीमार थी, फिलहाल दवा खा के लेटी सो रही थी। 12 बजे करीब उसने बेल बजाया और उसने बताया कि मैं थाने से आई हूँ, मैं पुलिस हूँ चिनर थाने से, तुम्हारे पति के खिलाफ कंप्लेन है, कोई महिला बैठी है जो तुम्हारे पति के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसने ऐसा कंप्लेन किया। तो हमने कहा मैम ऐसा कुछ नहीं, बोले कि ये तुरंत बुला रही हूँ कि मैं तुरंत फोर्स बुलाऊँ। तो हमने कहा आप परेशान मत हुई, मैं अपने पति को लेके तुरंत वहाँ पहुँच रही हूँ। सर मैंने तुरंत यहाँ पे अपने जरिए इंक्वायरी करवाई, तो पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। चौकी में मैंने बात करी देवेंद्र सर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी ऐसी कोई शिकायत नहीं मैम, लेकिन अगर ये कोई बात हुई तो उसको आप जाके थाने पर पता ही नहीं हो सकता, आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। मैं यहाँ पे आई सर, यहाँ पे मुझे क्राइम इंस्पेक्टर कौन है सर, मनोज सिंह सर मिले, तो मैंने उनसे अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप मैम एक रिटर्न दे दीजिए जो जो भी है अभी घटना आपके साथ, ये वीडियो क्लिप भी है मेरे पास सर, ये जो महिला मेरे घर पे आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये क्लिप दे दीजिए, ये बहुत ये तो 420 ही, अगर कोई महिला अपने आप को पुलिस बता के गई है वहाँ पे तो इसको देखते हैं कि क्या है। तो ये सब रिटर्न उटर्न यहाँ पे मैं बैठी थी, वहीं पे एक अदनान नाम का व्यक्ति जिसे मेरा इलेक्ट्रिक की उसकी दुकान है और मेरी है, हस्बैंड चलाते हैं, तो उसका उनका कुछ लेन देन होगा, उसका बार बार फ़ोन आ रहा, तो मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ 10 मिनट में, मैं थोड़ा एक जगह बैठी हूँ, मैंने उसको नहीं बताया कि मैं चौकी पर बैठी हूँ थाने पर हूँ, तो मैंने कहा अभी मैं आ रही हूँ। फिर यहाँ से जब मैं जैसे ही मैं गई वहाँ पर, तो वहाँ पर ये अदनान जो है 15-16 लड़कों के साथ में ऑलरेडी पहले से उसी लेडीज़ के साथ में बैठा हुआ था, और सारे लड़के ड्रिंक किए हुए थे। दुकान में घुसे जैसे मैं पहुंची, गाड़ी से जैसे मैं उतरी, सामने वही महिला मुझे दिख गई जो मेरे घर पे 12 बजे पुलिस बन के आई थी। ये जब यहाँ से मैं गई हूँ सर वही 4:30-4:15 के करीब, जैसे मैं दुकान पे 4 बजे करीब पहुँची, गाड़ी से मैं उतरी, मैंने पूछा मैम आप कौन, उस ये तुरंत सारे लोग अटैक कर दिए मेरे पे, मारपीट बहुत बुरी तरीके से, गंदी गंदी गालियाँ दे के मारने लग गए। मैं 100 पुलिस हेल्प के लिए कर रही थी, तो मोबाइल मेरा छीन ले गए, यहाँ से काफ़ी दूर तक दौड़ा दौड़ा के मारा मुझे, और मुझे खींच के गाड़ी पे बैठा कि इसको साली रंडी को गाड़ी पे बैठा और इसके ले चल के इसकी ख़त्म ही कर दो, इसकी इज्जत ही ख़त्म कर दो। तो सर मैं अपने आप को बचा के भागी बहुत तेज़ी से,